राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना ने मंगलवार को हिंडोली नैनवा क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई, जिससे अधिकारी पसीने में तर बतर हो गए। बैठक में कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर और एडीएम मुकेश चौधरी समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विभागवार अधिकारियों से मंत्री चांदना ने जानकारी ली। बैठक में मंत्री चांदना ने कई विभाग के अधिकारियों पर काम रोकने के आरोप लगाते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए। गहलोत सरकार के मंत्री चांदना ने अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग का डर दिखाया। इस दौरान मंत्री उपवन संरक्षक टी मोहन राज व सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता आर के पाटनी पर वो जम के बरसे। उन्होंने डीएफओ पर आरोप लगाया कि हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर अड़ंगा लगाते हैं। इसके बाद डीएफओ का एहसान फरामोश तक उन्होंने कह दिया और बोला कि जिस दिन मौका मिल गया उस दिन ब्याज समेत लौटा दूंगा, उस एक दिन में ही पूरी जान निकाल लूंगा। इस दौरान टी मोहन राज अपनी सफाई देने लगे, लेकिन उन्हें बोले नहीं दिया गया। बैठक के दौरान मंत्री चांदना डीएफओ टी मोहनराज को धमकाते हुए यह भी कह दिया कि फिर इस तरह का कोई मौका आएगा, आप लोग आग के ढेर पर बैठे हो, हमारे काम नहीं रोक रहे, अपने नीचे आग लगा रहे हो। मैंने कभी आपको फोन नहीं किया, लेकिन जितने भी काम रोके उन सब की जानकारी मेरे पास में है। चांदना ने सभी अधिकारियों से कहा कि आप सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जमीन पर सरकारी योजना को उतारना आपकी जिम्मेदारी है और ड्यूटी है। मंत्री चांदना ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता आर के पाटनी को एनीकट निर्माण में देरी के मामले को लेकर चेताया। चांदना ने एनीकट के 12 करोड़ के काम को अप्रैल मई जून तक कराने के लिए कहा। मंत्री ने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पूरा करो, लेकिन 80% काम पूरा हो जाना चाहिए। 11 से 12 करोड़ का काम जून तक करा सकते हो क्या? करा देंगे। मीटिंग में गारंटी देंगे जब कलेक्टर तो मुझे 12 करोड़ का काम ये अप्रैल मई जून में कराते हैं। मैं पूरा नहीं किया ना भाई, अभी तो कोई एड्रेस नहीं है आपकी। जैसे अगर बोल रहे हैं पानी का आपको एड्रेस नहीं है जी, 3 महीने बिल्कुल लेट एंड इलाज रिकवरी निकाल दूंगा, बाकी बाकी फिरोगे कोर्टों में, खर्चे बांधे आ जाएंगे तुम्हारे। सारा मजाक चल रहा है, तुम 14-15 महीने से लेके बैठे हुए हो, पैसा थोड़ा दबा के चलना है। और इनका काम दिखे तो रिलीज भी कर देना, ऐसा नहीं कि पैसे की वजह से इनका काम रुक जाए। चांदना ने धमकाते हुए कहा कि मजाक समझ रखा है क्या, 14-15 महीने से काम लटका कर बैठे हो। साथ ही उन्होंने चुनावी साल होने का हवाला देते हुए कहा कि सभी अधिकारी ये ध्यान में रखें कि मेरी एसीआर खराब होगी तो मैं तुम्हारी एसीआर खराब कर दूंगा। इस दौरान अधिकारियों के चेहरे पर पसीने छूट गए। चांदना ने अधिकारियों से कहा कि काम पूरा करने की मानसिकता बनाएं, जानबूझकर हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में काम में अड़ंगा नहीं डालें।